आज वो काम हम लोग कर रहे हैं धरती पर, लोगों को ये जो शिव चर्चा कर रही हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? छोटा मोटा काम है, आप लोगों को शिवोन्मुख करने का काम कर रही हैं। गुरु गुरु का काम होता है अपने शिष्य को शिवोन्मुख करना, नहीं आप ही के शिष्य भाव में गुरु भाव ऑपरेट हो रहा है और आप लोगों को शिवोन्मुख करने का काम कर रही हैं, जो शिव से विमुख हो गए हैं लोग, नहीं अपना समझ रहा है कोई महादेव को? मंदिर जाते हैं हम लोग महादेव के लिए जाते हैं, हम लोग महादेव से चाहते, कभी मन में भाव नहीं आया कि चलो आज महादेव को प्रणाम करने चलो, नहीं कभी मन में भाव नहीं आया कि चलो आज महादेव से मिलने चलते हैं, नहीं अपना होते तो मिलने के लिए मन तड़पता ना महादेव से, महादेव को प्रणाम करने की मनसा से महादेव को के पास जाते ना हमारा, नहीं तो आज शिव की शिष्यता की पहली लाइन में कह दिया गया कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बने, नहीं इसमें बात में बड़ा रहस्य है, बड़ा दर्द है। आप दया भी मांग रहे हैं तो कह रहे हैं हे शिव आप मेरे गुरु, मेरे मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करो, नहीं तो एक लगाव एक अपनापन बड़ा रंग लाता है, नहीं अनुभूतियों को बड़ा लंबा सिलसिला है। अभी मैं कुछ दिन से मेरा मन कर रहा था कालका मंदिर जाने का, माँ भगवती से मिलने का मेरा मन कर रहा था, मैं फोन किया, फोन करके पूछा कि जी माँ भगवती से मिलने का मन कर रहा है कहाँ खोजें, दिल्ली में कालका मंदिर है क्या वहां जा सकते हैं भेंट होगा? वहां से जवाब आया हाँ वहां जा सकते हैं, जाना चाहिए। हम बोले जी यही पूछना चाहते, गए, मनसा तो थी माँ भगवती से मिलने की, मनसा थी कि माँ भगवती को कम से कम प्रणाम कर रहे, गए प्रसाद वगैरह भी लिए चुनरी वगैरह भी लिए, तुरंत जैसे ही मंदिर के परिसर में आए सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ सादी के शरण।